नमस्कार, सुप्रभात। मैं राहुल होश आपके साथ। गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिक कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कार्तिक कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी है। कार्तिक कुमार अब राज्य मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे। गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को दिया गया है। तो गन्ना उद्योग मंत्री का कल ही नोटिफिकेशन आया था कि वो इस विभाग को संभालेंगे। कार्तिक कुमार आरोप जिस तरीके से उनके ऊपर लगे हैं, लेकिन अब उनके इस्तीफे की खबर सामने आई। तो राज्यपाल को अनुशंसा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भेज दी है। तो पटना से खबर, जहां गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिक कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सीएम नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंपा है उन्होंने। कल ही उनको कानून मंत्रालय से हटा करके गन्ना उद्योग विभाग का कार्यभार दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से उन पर आरोप हैं, अपहरण को लेकर के मामला कोर्ट में चल रहा है, और इन सब के बीच उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और अब यह जो विभाग है वो आलोक मेहता संभालेंगे। तो गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिक कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जाहिर सी बात है कि सियासी दबाव भी बढ़ा। और इस पूरी खबर पर अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से कार्तिक कुमार को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर रहा, जब से उन्होंने मंत्रालय संभाला, कानून मंत्रालय उन्हें दिया गया, और उसके बाद से एक नोटिफिकेशन आया कि उन्हें अब गन्ना उद्योग विभाग दिया गया, लेकिन इन तमाम मसलों के बीच उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, क्या पूरी सियासी घटनाक्रम हुई है? देखिए, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम ये है। चूँकि सरकार ने माना था कि उन्हें कोर्ट में पेश होना है, उनके खिलाफ केस चल रहा है, ऐसे में विधि मंत्री रहना सही नहीं होगा, क्योंकि विधि मंत्रालय के अधीन ही जो जज या जो दूसरे एपीपी हैं या दूसरे अन्य जो काम करते हैं सरकारी पदाधिकारी कोर्ट से जुड़े हुए, तो विधि विभाग के ही अंतर्गत आता है। इसलिए नीतीश कुमार ने उनका विभाग बदल दिया था और विधि विभाग के बजाय गन्ना मंत्री का की जिम्मेवारी उन्हें दी थी। और लेकिन कल जिस तरह से बीती शाम कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसा माना जा रहा है कि आज चूंकि उन्हें उस मामले में पेशी होनी है, और ये कहा जा रहा है कि उनका दो बार जो है अग्रिम जमानत की याचिका 2015 और 2017 में खारिज हो गई थी, और जब मामला ये चल रहा था सुनवाई के लिए, उन्हें जब जिला सत्र में आवेदन दिया था जमानत के लिए, तो उन्होंने एडीजे दानापुर को भेजा था और एडीजे ने 1 सितंबर तक तत्काल कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, यानी उन्हें कोई नियमित जमानत नहीं दी थी। आज उनकी पेशी होनी है। कई जो अधिवक्ता हैं सरकार की तरफ से, उनका कहना है कि ये संभव है कि उन्हें जमानत नियमित नहीं मिले और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो सरकार को लगा कि ऐसा ना हो कि उन्हें जमानत ना मिले और फिर अगर उन्हें जेल जाना पड़ता है तो सरकार की और ज़्यादा फजीहत हो सकती है। हालाँकि आधिकारिक रूप से उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इंटरनली कुछ ऐसी बातें हुई जिसके बाद कार्तिक कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। और जैसा कि सुशील मोदी जो पूर्व डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है कि ये पहला विकेट गिरा है, उनका क्रिकेट की भाषा में जी अभी पहला विकेट गिरा है और कई अन्य विकेट गिरेंगे, यानी बीजेपी जो है इस मुद्दा को छोड़ने वाली नहीं है। और जिस तरह से कार्तिक कुमार के रूप में पहला विकेट गिरा है, इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य मंत्रियों के खिलाफ भी, विशेष करके जो आरजेडी कोटे से हैं, उनके खिलाफ कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये संभव है कि बीजेपी आने वाले दिनों में और हमलावर होगी। वहीं आज कार्तिक कुमार के लिए काफ़ी अहम दिन है कि कोर्ट से उन्हें क्या नियमित जमानत मिलती है या फिर उनके लिए उनके कहा जा सकता है कि उनके लिए मुश्किल के दिन आते हैं। अरुण, जिस तरीके से कार्तिक कुमार के लिहाज से बात करें तो कोर्ट से हो सकता है कि उन्हें राहत भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है, फैसला उनके पक्ष में या फिर विपक्ष में भी आ सकता है, लेकिन उससे पहले जब उनका मंत्रालय बदल दिया गया, आखिर इस्तीफे की नौबत क्यों आन पड़ी, उन्हें क्या लगा होगा, क्या इसके बारे में जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, दो तरह की बातें हो सकती है। चूंकि कार्तिक कुमार जब से मंत्री बने, ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार उन्हें मंत्री नहीं बनाना चाहते थे, चूंकि वो अनंत सिंह के काफ़ी करीबी हैं और हाल के दिनों में अनंत सिंह के खिलाफ खेल को लेकर सरकार की तरफ से जिस तरह से शीघ्रता से स्पीडी ट्रायल कराया गया और उन्हें फिर सजा हो गई, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो उनके सहयोगी हैं, कार्तिक कुमार को मंत्री नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के दबाव की वजह से उन्हें मंत्री बनाया गया, और जिस तरह से मंत्री बनते ही उनके खिलाफ जिस तरह से विपक्ष ने मुद्दा उठाना शुरू किया कि वो वांटेड रहते हुए मंत्री पद की शपथ ली, तो इससे सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई। और जिस तरह से कल उनका मंत्रालय बदल दिया गया, तो इससे लगता है कि कार्तिक कुमार भी काफ़ी परेशानी में महसूस किए, उन्हें लगा कि सरकार उन्हें किनारा कर रही है और सरकार आगे कोई कदम उठावे उससे पहले ही उन्होंने खुद ही ये इस्तीफा दे दिया। अगर आज उन्हें नियमित जमानत मिल जाती है तो फिर उनको कहने के लिए मिलेगा कि उन्होंने अपने खुद से इस्तीफा दिया है, और जब अगर किसी तरह से उनके खिलाफ कोई अगर कार्रवाई नहीं होती है, वो बेदाग निकलते हैं, तो फिर उनके लिए कहना होगा कि जिस जब आरोप लगे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो लेकिन अब आज उस क्या होना है, आज उनके लिए काफ़ी अहम दिन है। चलिए, बिल्कुल, तो अहम दिन है कार्तिक कुमार के लिए, क्योंकि कोर्ट पर भी नस निगाहें टिकी होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ मरगूब भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से सियासी दबाव देखा गया, मंत्रालय बदला गया कहीं ना कहीं उस छवि को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन आखिरकार क्या ऐसा हुआ कि खुद इस्तीफा जो है वो कार्तिक कुमार ने अपना सौंप दिया है? आपके पास क्या कुछ जानकारी समझ में आ रही है? देखिए, कल रात जो खबरें आई वो खबरें मुख्यमंत्री सचिवालय से आई थी हम लोगों के पास कि कार्तिक कुमार अब राज्य मंत्रिपरिषद के परिषद के सदस्य नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है और महामहिम राज्यपाल को भेज दिया है। इसके पीछे दो तीन कारण आप समझिए, जो बहुत ही सिंपल कारण है। पहला, नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि सुशासन की जो छवि है वो बनी रहे। तीसरा, नीतीश कुमार का वो चीज कि न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, ये चीज बनी रहे। चौथा, जिस तरीके से विपक्ष कार्तिक कुमार को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर था और कार्तिक कुमार पर जो गंभीर आरोप थे, और आज आपको पता है कि आज 1 तारीख है, आज दानापुर कोर्ट में उनकी जमानत याचिका सुनवाई है, तो क्या परिस्थिति बनती? तो हो सकता है कि ज्यादा सरकार की थूथू होती, सरकार पर सरकार कटघरे में खड़ा होती। उससे पहले ही कार्तिक कुमार ने खुद स्वतः इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि अगर हमारे वजह से सरकार की बदनामी हो रही है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, तो मैं स्वतः इस्तीफा देता हूँ। जब मैं न्यायालय से पार साफ होऊंगा तो फिर मैं निश्चित तौर पर सरकार में आऊंगा। तो ये पूरा एक डायग्राम बनाया गया था लालू माफ करेंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कल बातचीत के बाद, और उसी डायग्राम के तहत फिलहाल कार्तिकेय कुमार का इस्तीफा हुआ और मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। क्योंकि परिस्थिति आज माननीय न्यायालय के का क्या आदेश होगा ये तो किसी को पता नहीं है। तो न्यायालय का आदेश अगर निश्चित तौर पर कुछ वैसा होता जिससे सरकार के घरे में आती, कार्तिकेय कुमार पर बहुत ऐसा प्रेशर पड़ता कि कहीं ना कहीं हालात उस तरह के होते कि नीतीश कुमार की छवि पर, सरकार की छवि पर लोगों के बीच मैसेज जाता कि आप इस तरह के लोगों को क्यों मंत्रिमंडल में बना के रखे हैं। तो यही कारण था इस पूरे मामले को काट के लिए, पूरे मामले को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जड़ से कार्तिकेय कुमार ने इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा निश्चित तौर वो सबको मानना ही पड़ता है और मानना पड़ेगा, हमारा ये संवैधानिक कर्तव्य है। तो कहीं ना कहीं हम आज 11 बजे दिन के बाद माननीय न्यायालय का क्या आदेश होगा, क्योंकि उस आगे इसके बाद निश्चित तौर पर आगे कार्तिकेय कुमार के वकील वहाँ उनके जमानत याचिका का समर्थन करेंगे और हो सकता है इस पूरे मामले में न्यायालय का न्यायालय के आदेश के बाद फिर कोई नया डेवलप। लेकिन अभी फिलहाल कार्तिकेय कुमार का राज्यसभा होना राजनीतिक टीकाकारों को यही बात समझ में आए कि नीतीश कुमार ने अपने सुशासन की छवि को, चलिए बिल्कुल, तो छवि बचाने की कोशिश हुई है और कहीं ना कहीं उसमें सफल भी नीतीश कुमार हुए हैं और इस संदेश भी साफ गया है। बन रही हमारे साथ मरगूब, अगली खबर पर वापस आपके पास लौट रहे हैं।